हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम यहाँ पे लाए हैं एनटीए अभ्यास के जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं, उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। जाना क्यों, यहीं रहो यार, जाओ मत। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया आपको, एक आइडियल गैस है जो एक्सपेंड हो रही है सच दैट पी स्क्वायर, मतलब प्रेशर टेम्परेचर का स्क्वायर, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। तो गैस का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता क्या है। कि मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम जो है V के बराबर है और उसको हीट किया जाता है टेम्परेचर डेल्टा टी से, तो जो वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज उसकी वैल्यू होती है ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो ये गामा जो है, गामा की वैल्यू कहलाती है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वो हमें निकालना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। Pt स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हमें सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है जबरदस्ती खुश रहा है, तो प्रेशर को भगाइए और इसकी जगह वॉल्यूम और टेम्परेचर रखिए। तो प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाय वी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो यहां से ये कांस्टेंट है दोनों, तो ये कांस्टेंट में मिल जाएंगे, तो एक और कांस्टेंट बन जाएंगे, तो टी क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू वॉल्यूम। ये आपको इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 1। T cube is equals to K into V, इसको differentiate करेंगे तो आपको मिलेगा 3T square into dT is equal to K into dV। अब यहाँ पे जो K की value है वो इस equation से उठा के आप रख दीजिए, तो आपको यहाँ मिल जाएगा K की value है T cube divided by V के बराबर, यहाँ मिल जाएगा आपको dV is equals to 3T square into dT। T square से power जो है दो power चली जाती है और आपको यहां पे मिल जाएगा dV is equal to इसको इधर ले जाइए 3V by T into dT। तो ये आपको मिल जाएगा dV is equal to V into 3 by T into dT। ऐसे इसको आप सजा सकते हैं और आप यहां पे कंपेयर कर लें। dV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा T, डेल्टा V ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा T, यहां क्या बचा 3 by T, यहां पे क्या है गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 बाई टी के बराबर, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाता है। सवाल इतना आसान भी नहीं था, मैं कहूंगा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। सो इट्स 3 out of 5 इसे आप दे सकते हैं, 3 out of 5 इसे दे सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है, IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14-15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना,
टॉप टू में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा, 21 से लेके 50 रैंक तक आपको ईको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, एज सून एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है ये, अ सोर्स ऑफ साउंड एस इमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यहां सोर्स है, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। द सोर्स इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा है सोर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन। इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाकर, रिपीट क्यों कर रहा हूं, तब तो समझ में आ ही रहा है ना, ठीक है। सो विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन शोन इन फिगर द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, ओहो राहत की सांस ले सकते हैं। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर करेस्पॉन्डिंग टू द वेव इमिटेड बाय द सोर्स एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, मतलब कह रहे हैं कि जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो इस ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई दे रही है वो बता दीजिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वेलोसिटी सोर्स की डॉपलर इफेक्ट वाले फॉर्मूले में लिखी जाती है वो हमेशा वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग सोर्स ऑब्जर्वर लाइन होता है। तो ये वेलोसिटी जो 19.4 आपको दे रखी है वो मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर वाली लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होता तो हम ऑब्जर्वर की वो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते जो इस लाइन के अलोंग होता। तो मैं फॉर यहां मान सकता हूं कि ये सोर्स जो है वो आ रहा है वी एस कॉस 60 वेलोसिटी से ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है, इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 100 हर्ट्ज के बराबर है, 100 हर्ट्ज है ना, 100 हर्ट्ज के बराबर है। तो बताइए कि इसको फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी अपेरेंट जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू साउंड की स्पीड 330 दी है डिवाइडेड बाय 330, ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ऊपर जीरो आ जाएगा, सोर्स मूव कर रहा है इसके पास जा रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आ जाएगा आपके पास वी एस कॉस 60। तो बस इसको सॉल्व कर लेना आपको आंसर मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का। यहां पे सोर्स की वेलोसिटी लिखनी है आपको 19.4 cos 60 1/2 330 ऊपर 330 सॉल्व कर लेंगे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सवाल जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना था कि सोर्स का वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा लिया जाता है डॉपलर इफेक्ट वाले फॉर्मूले में। सो इसे आप 3 out of 5 जो है दे सकते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलें। इसमें दिया है एक 0.5 kg का ब्लॉक है जो स्लाइड होता है ए से ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद इनिशियल स्पीड ऑफ 3 meter per second, 3 मीटर पर सेकंड से ये यहां से चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 meter। ये 1 meter जो है इसकी टोटल लेंथ है स्प्रिंग की, और ये एक वेटलेस ब्लॉक है यानी कि इसका कोई मास नहीं है पूरे इस अरेंजमेंट का, ओके। द पार्ट ए बी ऑफ द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, ए से बी जो पार्ट है वो फ्रिक्शनलेस है, कुछ नहीं है यहां पे, स्मूथ है, स्मूथ है ये। पार्ट बी सी हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.22, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.22 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.20 रेस्पेक्टिवली। तो बी से सी का जो है रीजन जो है ये रफ है, और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है, काइनेटिक का भी कोएफिशिएंट दिया है, और ये डिस्टेंस ए बी और बी डी जो है, ए बी और बी डी, ए बी जो है 2 meter है, BD जो है 2.14 meter है respectively,
द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कम्प्लीटली. तो कितनी डिस्टेंस ये चल लेगा ब्लॉक बिफोर कमिंग टू द रेस्ट कम्प्लीटली. तो आप देखिए बेटा, यहां मैं यहां पे एक टाइमलाइन बना देता हूं और इसका ट्रैक बना देता हूं. ट्रैक, ये पॉइंट है ए, ये बी है, ये डी है और ये सी है. ये वाला पार्ट जो है रफ है पूरा, ये वाला जो पार्ट है वो स्मूथ है. पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है चलना, कितनी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड. अब ए से लेके बी तक पूरा रास्ता स्मूथ है तो क्या स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, स्पीड कांस्टेंट ही रहने वाली है. यानी बी पॉइंट पर भी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही रहने वाली है. अब रफ सरफेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये मूव करता हुआ पार्टिकल है, रफ सरफेस पर चल रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगने वाला है. तो यहां से लेके यहां तक जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ. काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू एन के बराबर. अब इसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. अब यहां पे एक स्प्रिंग भी आ गई. ओ, अब ये स्प्रिंग को दबाता है, स्प्रिंग को दबा भी देता है. अब मैं मान लेता हूं कि एक ऐसा पॉइंट है पॉइंट ई, जहां तक ये स्प्रिंग को दबाता है कितनी डिस्टेंस तक, डी से ई डिस्टेंस तक स्प्रिंग कंप्रेस होती है. मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं एक्स के बराबर. तो यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग को दबाया और फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ चुका है. यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो चुकी है. तो हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है. यानी ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2.14 मीटर और ये डिस्टेंस एक्स मीटर. इन तीनों का समीशन आपको बताना है कितना होगा. तो मैं यहां से लेकर यहां तक के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं. वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही लेजेंडरी इक्वेशन है. मतलब कुछ भी हो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इनिशियल फाइनल देखिए और काम अपना कर लीजिए. तो मैं कह सकता हूं पूरे रास्ते में यहां पे स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, पूरे रास्ते में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, बिकॉज पार्टिकल चल ही रहा है तब से और यहां पे रुक गया है. तो इसका मतलब पूरे रास्ते में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है यहां से लेके यहां तक, बी से लेके ई जर्नी में, और स्प्रिंग फोर्स लगा है डी से लेके ई जर्नी में. बस ये दो ही फोर्स यहां पे लगे हैं. तो यहां लिखूंगा मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, तो जीरो ही है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फ्रिक्शन का वर्क डन देखिए, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है 2.14 और एक्स. तो यहां आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ म्यू के इंटू एम जी इंटू 2.14 प्लस एक्स. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो आप देखें, इतना डिस्टेंस ये कंप्रेस हुआ है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू स्पीड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करके हमें निकालना है पहले x, और x के बाद हमें उसमें 2.14 और 2 मीटर जो है ऐड करना है. तो देखिए, तो यहां से माइनस 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 इन सारे साइंस को हटा देंगे, तो आपको यहां मिलेगा म्यू के विच इज 0.2. सो इट 0.2 इंटू मास कितना है 0.5 1/2 इंटू जी इज 10, 2.14 प्लस एक्स प्लस हाफ इंटू के कितना है जी, के है आपके पास 2 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 9. तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि हाफ 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 हटा सकते हैं, हाफ 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 सब में हटा सकते हैं, दो से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 0.4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये हट जाएगा. तो 0.4 इंटू 10 बन गया कितना, 4 बन गया. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 इंटू 2.14 प्लस एक्स, दोबारा क्यों लिखा मैंने, प्लस एक्स इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. मल्टीप्लाई कर दो इसको, 16 4 एकम 4 5 और 4 दुनी 8 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो इसको इधर ले जाइए और इसको, या फिर इसको इधर ले जाइए, तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 8.56 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 0.44 इज इक्वल टू 0. 4 से उड़ा दो इसको, x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0. ये बहुत बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट जो है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहीं पे देख लीजिए, x की वैल्यू 0.1 आप पुट करेंगे तो मिलेगा 0.01 और ये मिलेगा 0.1 और 0.11 इज 0.11
और माइनस कर देंगे जीरो आ जाएगा, तो ये इसका रूट है x इज इक्वल टू 0.1। अब हमें पूरा डिस्टेंस ऐड करना है, हमें दो 2.14 और 0.1 जो है ऐड करना है इसे, तो 4, 2 और 4 4.24 मीटर हम कह सकते हैं इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सवाल जो है आसान था लेकिन स्टेप्स काफी सारे थे, थोड़ा सा ध्यान रखना था कि कहां से कहां तक फ्रिक्शन लगा है, तो गलती हो सकती है इसमें, 4.4/5 जो है इसे आप रेट कर सकते हैं। इसके बाद ये सवाल है, क्वेश्चन में दिया है आपको, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम है, कनेक्ट किया जाता है बैटरी 2 वोल्ट से और 1970 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया जाता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 डिवीजन हमें ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब IG के बराबर करंट फ्लो हो रहा है और IG के बराबर करंट की वैल्यू कितनी है, EMF कितना है पूरे सर्किट में 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1970 + 30 = 2000, तो कितना आ गया आपके पास 1 mA, यानी 1 mA करंट फ्लो कराने से 20 डिवीजन जो है ये घूम जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर, और हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ डिवीजंस, जितने डिवीजंस वो घूम जाता है डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, phi इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। अब हम चाहते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन है 20 डिवीजन से कम होकर 10 डिवीजन हो जाए, यानी डिफ्लेक्शन आधा हम करना चाहते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें 20 डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें 10 ही डिफ्लेक्शन चाहिए। मैं रिजल्ट जानता हूं कि phi हमेशा I के प्रोपोर्शनल होता है, यानी I यानी phi को हमें आधा करना है तो हमें I को भी आधा करना होगा, तो अब मैं करंट चाहता हूं 0.5 mA के बराबर, 0.5 mA में करंट चाहता हूं, तो कितना मैं सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊं, इसको हटा के मैं कितना रेजिस्टेंस लगा दूं जिससे मुझे आधा ही डिफ्लेक्शन मिले, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बैटरी है 2 वोल्ट की डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 30 तो है ये गैल्वेनोमीटर का, और साथ में उसके आर ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं। अब इसे करना है आपको सॉल्व, 1/2 mA इसको लिख सकता हूं 1/2000 = 2/30+R, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 4000 - 30 आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सो इट्स 3970 ओम आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, रेजिस्टेंस 3970 आपको मिल जाता है, सही भी है, बिल्कुल सही है। सवाल आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो मैं इसे 3/5 ही देने वाला हूं। इसके बाद ये हमारे पास सवाल है कि एक सो बबल है, सो बबल का रेडियस है कैपिटल आर और उसका थिकनेस है डी, थिकनेस बहुत कम है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, बहुत छोटा है सवाल के हिसाब से, बहुत छोटा इसका थिकनेस है। हम क्या करते हैं इसको, हम इसे कोलैप्स कर देते हैं और इसको स्फेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये जितना मटेरियल यहाँ पे है उस पूरा मटेरियल जो है उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया हमने, एक ड्रॉप बना दी है, और ड्रॉप का रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर के बराबर है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर के बराबर है, इसका थिकनेस जो है डी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन कर सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है मटेरियल का अभी भी उतना ही रहेगा, सो यहाँ लिखूंगा मैं 4πR² × d, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो गया, यदि थिकनेस बहुत कम है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यदि थिकनेस बहुत ज्यादा होती तो मैं इनर रेडियस निकालता, आउटर रेडियस निकालता और 4/3πR²-R1³ वाला फॉर्मूला लगाता, लेकिन यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं सर्फेस एरिया इंटू थिकनेस, और यहाँ पे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πR³ के बराबर, सो 4π से 4π मर गया, R की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3R²d⁻³⁰ के, ये छोटी रेडियस आपको मिल गई ड्रॉप की। ओके, अब हमें बताना है कि रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर 4S/R के बराबर होता है, इसके अंदर होता है 2S/R के बराबर, सो हमें 2S/r डिवाइडेड बाय सो बबल 4S/R इनका रेशियो निकालना है, तो यहां से S से S चला गया, 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है 1/r डिवाइडेड बाय 2/R, सो कैपिटल R अपॉन 2R आपको रिजल्ट मिल जाता है, कैपिटल R अपॉन स्मॉल R की वैल्यू कितनी है 3R²d⁻³, 3R²d⁻³, और ये आपको मिल जाएगा आपको 2। अब एक काम करिए, इन सबको इस ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, तो होल पावर 1/3 में लिख देता हूँ, ऊपर आ जाएगा आपके पास R³, या आ जाएगा आपके पास 8×3R²×d, R² से 2 पावर चली गई, सो R/24d⁻³ आपको आंसर मिल जाता है, चेक कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है, R/24d⁻³, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सवाल इतना मुश्किल था नहीं, सिर्फ इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन
और डायरेक्ट रेशो पूछ लिया इन्होंने, तो इसे आप कह सकते हैं 3 out of 5 सवाल है ये। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि प्लेनो कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर बट डिफरेंट मटीरियल्स आर जॉइंड साइड बाई साइड एज शोन इन फिगर। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल 1 इज म्यू 1 एंड ऑफ मटीरियल 2 इज म्यू 2 देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस पूरे लेंस का आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है कितना होने वाला है। तो आप इन दोनों लेंसेज को अलग अलग कर लीजिए, आपके पास एक लेंस है ये और दूसरा लेंस जो है वो कौन सा है आपके पास ये वाला लेंस। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका फोकल लेंथ निकाल के 1/f1 + 1/f2 आपको निकालना है। देखिए क्या करेंगे, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनफाइनाइट है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 = वो r के बराबर है माइनस में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 −r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है r2 −∞। तो यहां पे फार्मूला लगाऊंगा लेंस में का फार्मूला दैट 1/f1 μ1 −1। देखिए जब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं और इनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालते हैं तो हम एयर में फोकल लेंथ निकालते हैं, इसकी भी एयर में फोकल लेंथ निकालते हैं। ऐसा मत सोचना कि इसका इस तरफ मीडियम ये वाला लेना है ना, एयर में लेना है, ये दोनों तरफ एयर मान के इनका फोकल लेंथ निकाल के 1/f1 + 1/f2 करना है। सो 1/r1 −1/r2 ये मिल जाएगा आपके पास μ1 −1 डिवाइडेड बाय r, ये 1/f1 की वैल्यू होगी। यहां बात करें 1/f2 μ2 −1 1/r1 −1/r2 तो मिल जाएगा आपको μ2 −1 डिवाइडेड बाय −r, ये मिल गया आपके 1/f2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहां मैं लिखूंगा 1/f इक्विवेलेंट μ1 −1 डिवाइडेड बाय r और प्लस 1 − μ2 डिवाइडेड बाय r। मैंने माइनस को ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लाइन बना देंगे पूरी, माइनस वन से बन गया, आपको मिल गया म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर, ये 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू है। f इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा r/μ1 − μ2, f = r/μ1 − μ2, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सवाल बहुत ज्यादा क्लासिक, बहुत ज्यादा बेसिक है, कोई ज्यादा इसमें ऊटपटांग नहीं पूछा गया है, तो ये एवरेज क्वेश्चन है 3 out of 5 इसे आप दे सकते हैं। ओके इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि ब्लॉक बी है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, ब्लॉक बी देखिए बी कौन सा आपके पास, ये वाला ब्लॉक है ब्लॉक बी, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया है 12 t/s². साइमल्टेनियसली अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से इस वाले एंड को खींचा जाता है। टी बराबर 3 पर ऐसा देखा गया कि ए ब्लॉक जो है रेस्ट पे आ जाता है, यानी ग्राउंड से देखने पर ये जो है हिल ही नहीं रहा है, ये रस्सी आ रही है इधर से, ये रस्सी जा रही है इधर से, वो एकदम ऐसे बैठा हुआ है, उसके दोनों हाथों से जो है रस्सी इधर से उधर जा रही है, लेकिन वो रेस्ट पे आ चुका है। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये कौन डिसाइड करता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 से हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में है और रेस्ट पे हो सकता है, बट वेलोसिटी इज द श्योर साइन ऑफ पार्टिकल इज एट अ रेस्ट। ओके तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी होगी इस एंड की और इस एंड की टी टाइम के बाद। तो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसको हम इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं डीवी बाई डी टी जो है किसके बराबर है, 12 t के बराबर है। सो डीवी कितना हो जाएगा आपके पास 12 t dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम टी बराबर 0 पर, टाइम टी बराबर टी पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है लेट्स से वी के बराबर, तो आपको यहां से मिल जाएगा वी इज इक्वल टू 6t². तो इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है 6t² है, तो इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी 6t² है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 6t² है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 6t² है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 6t² है। इसका मतलब रस्सी का ये जो सिरा है, ये जो एंड है, ये 6t² वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब यहां बात करें वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से वेलोसिटी बता सकता हूं टाइम टी पर कितनी हो जाएगी, ए नॉट टी के बराबर। सो ए नॉट टी वेलोसिटी से ये रस्सी जो है ऊपर जा रही है ए नॉट टी वेलोसिटी से। अब आपने पुली कंस्ट्रेंट जो है जरूर पढ़ा होगा कि यदि आपके पास पुली है, पुली का ये वाला एंड 0 से जा रहा है, पुली जो है 0 से जा रही है, पुली का ये वाला एंड जा रहा है कितने से, 6t² वेलोसिटी से,
और ये वाला एंड जा रहा है वेलोसिटी ए नॉट टी से, तो मैं लिख सकता हूं ए नॉट टी प्लस माइनस सिक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली विच इज जीरो. दो को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा ए नॉट टी माइनस सिक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. टी से मर गया टी, तो आपको मिल जाएगा यहां से ए इज इक्वल टू 60. ए नॉट इज इक्वल टू 60. टी कितना दिया आपको 3 के बराबर, तो आपको मिल जाएगा यहां से ए नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18. आंसर हमारा कितना जाएगा 18 के बराबर, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 हमारा आंसर हमें मिल जाता है. सवाल अच्छा था, ठीक था, अच्छा था मैं कहूंगा ये. तो इसे आप कह सकते हैं कि ये 4 out of 5 जो है डिजर्व करता है. इसके बाद हम चलते हैं इस सवाल की तरफ. सवाल में आपको दिया है कि एक रिंग है जिसका मास 2 पाई किलोग्राम के बराबर है, 2 पाई किलोग्राम इसका मास है और रेडियस इसकी 1/4 meter के बराबर है और ये इतनी आरपीएम जो है स्पीड से मूव, आरपीएम का मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी है 300 rotation per minute अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग इज, तो हमें रिंग के अंदर जो डेवलप टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले मुझे ये आरपीएम में अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई ऑलवेज कन्वर्ट इट टू ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. सो 300 रेडियन का मतलब 2 पाए और पर मिनट है तो सेकेंड में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, 6 से गए 5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 पाए रेडियन पर सेकेंड. नाउ इट्स गुड. रिंग का फोटो बना लो, रिंग का फोटो बना लिया, रिंग का मास पता है, रिंग का रेडियस पता है, रिंग का ओमेगा पता है. अब कोई भी आप छोटा सा सेक्शन देखिए कि आपको ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि टेंशन लग कैसे रहा है. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे टेंशन लग रहा है, ठीक है. तो मैं कोई भी एक छोटा सा सेक्शन जो है यहाँ का आपको दिखाने वाला हूँ, कोई भी छोटा सा सेक्शन, मैं ये छोटा सा सेक्शन ले रहा हूँ, ये छोटा सा सेक्शन जिसका ये जो एंगल है ये डी थीटा के बराबर है. तो इस छोटे से सेक्शन को आप देखें कि ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये यहां से भी बंधा है, ये रस्सी से बंधा है, मैं कह सकता हूं ये जो पार्ट है ये रस्सी से बंधा है और रस्सी अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर एक पुलिंग फोर्स लगाती है. ये वाली जो रस्सी है ये इस छोटी रस्सी पर पुलिंग फोर्स लगाएगी और उस पुलिंग फोर्स को टेंशन कहा जाता है. ये वाला एंड इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगाएगा टेंशन टी. ऑफ कोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इस एंड के ऊपर भी टेंशन लग रहा होगा इस तरफ, इस वाले एंड पर भी टेंशन लग रहा होगा इस तरफ, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करने में. तो मैं इस डायग्राम को इस पिज्जा स्लाइस को, इस केक को मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ. ये आपके पास है छोटा सा स्लाइस है और ये जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा के बराबर है. यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ तो मिल जाएगा आपके पास डी थीटा बाई टू, ये मिल जाएगा डी थीटा बाई टू. ये जो है टेंशन है इस तरह से, टेंशन है टी यहाँ पे और टेंशन है टी यहाँ पे, ठीक. तो यहाँ आप देखिए दो लाइन मैंने बनाई लीडिंग लाइंस, ये डी थीटा बाई टू है तो ये बन गया डी थीटा बाई टू, ये भी बन गया कितना डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू है तो 90 माइनस डी थीटा बाई टू है कितना हो गया डी थीटा बाई टू. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल हो गया डी थीटा बाई टू. अब इनके कंपोनेंट्स करेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में. इसके हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, ऐसे यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा टी साइन डी थीटा बाई टू, ऐसे यहाँ पे कंपोनेंट होगा टी साइन डी थीटा बाई टू और यहाँ पे कंपोनेंट होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू. तो टी कॉस डी थीटा बाई टू से टी कॉस डी थीटा बाई टू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास ये इस टोटल जो पार्ट के ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो टी साइन डी थीटा बाई टू T sin d theta by 2 के बराबर फोर्स लगने वाला है. तो मैं टोटल फोर्स कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट नीचे की तरफ इसके ऊपर लग रहा है 2T sin of d theta by 2. और ये फोर्स देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है सर्कल में घूम रहा है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है सेंटर की तरफ वो किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर. मैं इसको लिखूंगा मास इज dm, छोटा सा मास इसका dm है, इंटू रेडियस के रेडियस में घूम रहे हैं आर में, इंटू ओमेगा स्क्वायर. डीएम को लिख सकता हूं मैं एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा. ये इसका लीनियर मास डेंसिटी है, यानी ये यूनिटरी मेथड जो है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया एम अपॉन 2 पाई आर, इस छोटे से आर का लेंथ कितना हो गया आर डी थीटा,
तो आर डी थीटा का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन टू पाई आर इंटू आर डी थीटा, और यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ये कितना है जी 2t साइन डी थीटा बाई 2, को डी थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, 2 से मर गया 2, डी थीटा से मर गया डी थीटा, तो आपको यहाँ से मिल जाता है टेंशन बराबर एम आर से गया आर अपॉन टू पाई आर ओमेगा स्क्वायर, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू पाई हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है, सारी वैल्यूज जो है पुट कर सकते हैं यहाँ से, मास कितना दिया है 2 पाई, मास कितना दिया है 2 पाई इंटू रेडियस कितना है आपके पास 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज 100 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना था आपके पास 2 पाई, 2 पाई, सो 2 पाई से 2 पाई चला गया, 4 से गया 25 बार, सो 25 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर जनरल जो है 10 ले सकते हैं, तो लगभग 250 जो है आपको आंसर मिल जाता है, 250 हमारा आंसर है यहाँ पे। तो सवाल जो है ये इरोडोव में दिया हुआ है, लेकिन अब इतना ज्यादा ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो अब जो है इसको मुश्किल मानना आप बंद कर दीजिए, सवाल जो है आपको ये समझ लीजिए इसको कैसे करना है, ठीक है ओके। तो सवाल को यदि आप रेट करना चाहें तो ये सवाल अच्छा है, इससे जेई मेन के हिसाब से 5 out of 5 दिया जा सकता है ओके। इसके बाद हम ये लास्ट सवाल था, ये 3 प्लेलिस्ट है मेजर हमारी चैनल पर, और ये आपको यदि आप जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन 2021 का लास्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये एनटीए अभ्यास का जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो है जेई मेन का जो क्रैश कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एचसीवी मैं अभी इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा यदि आप फोर्थ अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो ये ज़रूर करें यार, है ना, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, मतलब मैं खुद देखता हूँ कभी कभी तो लगता है हाँ यार ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब काफ़ी, तो ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, सेम गोज फॉर दिस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, यूट्यूब एल्गोरिथम समझते हैं यार, लाइक जब तक नहीं करोगे वीडियो को तब तक वीडियो जो है हमारा रीच नहीं होता है, रीच नहीं बढ़ता है उसका, सो प्लीज़ लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आई तो वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।